दुनिया में कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। अब सबको इंतजार है कोरोना वैक्सीन का। ऐसे में भारत बायोटेक और ICMR ने मिलकर कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को हाल ही में फेज 1 और फेज 2 के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिली है। इसके बाद तीसरे फेज का ट्रायल भी होना है। कंपनी मानती है कि पहले और दूसरे फेज का ट्रायल ही अक्टूबर तक हो पाएगा। ऐसे में 15 अगस्त तक वैक्सीन आना मुमकिन नहीं लगता। भारत सरकार के विज्ञान मंत्रालय ने 2021 से पहले वैक्सीन के लॉन्च किए जाने की बात को खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि 6 भारतीय कंपनियां वैक्सीन पर काम कर रही हैं। 2 भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन और जायकोव डी सहित 11 वैक्सीन मानव परीक्षण फेज में हैं। इनमें से कोई भी 2021 से पहले बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। एशियानेट न्यूज़ हिंदी की रिपोर्ट।